मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी इन दिनों लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। एक बार फिर पटवारी ने एक वीडियो वायरल कर शिवराज सरकार से किसानों की कर्ज माफी को लेकर उन पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह जी, आपकी बहानेबाजी और जनता को गुमराह करने की राजनीति प्रदेश का किसान नहीं चलने देगा। आपको इधर उधर की बात के बजाय उपचुनाव से पहले किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करना चाहिए। और क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री जीतू पटवारी ने, आप भी सुनिए। प्रदेशवासियों, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कुछ आरोप प्रत्यारोप पिछली सरकार और कमलनाथ जी पे लगाए। एक सरकार, अच्छी चलती हुई सरकार, जिसने निर्णय लिया माफिया के खिलाफ, जिसने निर्णय लिया मिलावट खाने पीने की चीजों के खिलाफ, जिसने निर्णय लिया किसानों के कर्ज माफी का, जिसने सस्ती बिजली देने का निर्णय लिया, ऐतिहासिक 15 महीने और 15 साल का एक मुख्यमंत्री जिसको जनता ने नकारा, उसने पैसे के दम पे जो भाषा बोलते थे कि एक चिमटी से भी अल्पमत की सरकार को मैं छूंगा भी नहीं, उन्होंने विधायक खरीदे, षड्यंत्र रचा और लोकतंत्र की मध्य प्रदेश का काला अध्याय बनाया। आज वो कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ कांग्रेस का वादा था। आपने एक सरकार गिराई जिसने 1 लाख तक के कर्ज माफ कर दिए। अब बचे हुए कर्ज माफ आप नहीं करोगे तो कौन करेगा और क्यों आपने सरकार बनाई? मैं किसान बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, आपको याद होना चाहिए कि आपके बिजली के बिल आधे करने के वादा कमलनाथ जी ने किया था और किया। आपको याद होना चाहिए कि जो किसानों को लेकर कमलनाथ जी की पिछले 1 साल में क्या कीमतें मिली हमारी फसलों की, वो ऐतिहासिक थी। एक एक किसान भाई इस बात को जानता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर किसान है वो भी जानता है। मैं मानता हूँ ऐसी सारी परिस्थितियों में 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करना इस सरकार का दायित्व है। ये सरकार पीछे के रास्ते से बैठ जैसे भी बैठी हमारे मुख्यमंत्री है, पर अब उस योजना को जो किसान का भला करे पूरा करने के बजाय बहाने बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि सत्ता की लोभता क्या होती है, लालच क्या होता है, उसकी पराकाष्ठा शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये अब चुनाव में आएंगे, इनसे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ ये सरकार करे, ये हम सबका दायित्व है सरकार से मांग करना, और एक एक किसान करे, बीजेपी का किसान भी करे। मैं शिवराज सिंह जी को कहूं कि आप मुख्यमंत्री बने तो अच्छी योजनाओं को लागू करो, बहाने मत बनाओ, झूठ बोलोगे तो जनता ने पहले सबक सिखाया था, आगे भी सिखाएगी, ये मध्य प्रदेश के वासी भोले हैं। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।